नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ और आप देख रहे हैं राउडी व्लॉग। मैं अभी आया हूँ पुलिस कॉलोनी के पार्क में थोड़ा मेडिटेशन करने और एक छोटी सी वीडियो को शूट करने, जो आने वाली है रूबल धनखड़ फिटनेस पे, और वो आपको देने वाली है बहुत सारा ज्ञान। बिकॉज मैंने उस वीडियो में की है बहुत सारी मेहनत, 3 से 4 दिन लगाए हैं, और वो है सब्जेक्टिव वीडियो। जो भाई भी ये व्लॉग देख रहा है, रूबल धनखड़ चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी चलता हूँ मैं पार्क में मेडिटेशन करने, तो यहाँ पे हो रही है। सो हम वीडियो रेडी कर रहे हैं। ये है हमारे महान कलाकार जो इस वीडियो में जान डाल देंगे, ऐसे ऐसे करतब करके दिखाएंगे वीडियो में, जो आप मोह इनके प्यार में पागल हो जाएंगे। इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, लाइफ में इनर पीस बहुत जरूरी है। जो आपकी मेंटल हेल्थ है ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जितना शरीर पे आप ध्यान रखते हैं, बॉडी पे ध्यान रखते हैं, जब तक ये स्वस्थ नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। तो ज़रूर मेडिटेशन करें, कभी भी करें, कहीं भी करें, घर पे करें, बाहर करें, पार्क में करें, करें ज़रूर। सो अब चलता हूँ घर और करता हूँ डाइट। कमर में दर्द है, आराम होगा, मेंटल पीस मिलेगा, हेल्थ और 4 चांद बढ़ जाएगी। मैंने पहनी है अपनी दूसरी शर्ट और मैं जा रहा हूं बाहर आपके लिए एक वीडियो के लिए। तबीयत मेरी अभी ठीक है और मेरे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। दमा दम, यस, रेड रेड टी शर्ट। आपका वो कहा है, स्कर्ट कहा है, आपकी स्कर्ट कहा है? अच्छा, गिम्बल कैमरा। सो अभी मैम ने सारे पर्दे रख दिए हैं खाली, मिलता हूँ आपसे बाहर। मीटिंग डन, काम डन। अभी अपने जो एस्थेटिक यूनियन के ऑफिस है वहाँ जाके एक दो काम देख के उसके बाद जाऊँगा बच्चों के पास। पूरा दिन हो चुका है, सुबह 7 बजे से लेके अब बज चुके हैं लगभग 3, और गाड़ी भी गंदी हो चुकी है। बार बार आप ही बोलोगे, गाड़ी बताता रहता है। तो मेरा काम ही ऐसा हो रहा है कि मुझे बाहर जाने के लिए और कुछ मिलता नहीं है, और बाइक का आजकल अब मौसम रहा नहीं है, गर्मी बहुत है, बाहर बादल हो रहे हैं किसी भी टाइम। देखो, बाइक एक ऐसा संसाधन है जो लोकल के लिए तो एक्यूरेट है, लेकिन ना वो गर्मी का है, ना वो धूप का है, ना वो बारिश का है। किसी भी मौसम में बाइक का ट्रैवल मेरे को अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे जो व्लॉगर हैं वो ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं, बाइकर होते हैं, बाइक पे वो करते हैं। मेरे को पर्सनली बुलेट चलाना पसंद है, वो भी लोकल में, इससे ज्यादा नहीं। आने के फेस पे नेल कैसे लगे? ये कैसे लगे? ये जब मैं आराम से सो रहा था 8 बजे, सॉरी जब 6 बजे होंगे, अनायशा बीच पर उठ के मम्मा का बिना बताए सो रहे थे, तब मेरे आराम से आ गए, यू मारा, मैं चिल्ला उठ गया क्या किया। बस फिर वापस जाके जल्दी जल्दी नेल्स मार के वापस सोने का नाटक करने लगी वहाँ अपने रूम में, यहाँ के सोने का नाटक करने लगी है। जो ये बहुत तेज हो रही है। या यू आर राइट। ये देखो इसके कारनामे। अनायशा क्या कर रही है बेटा? चाचा की पिटाई कर रही है। मेकअप करिए, चाचा का मेकअप कर दे। पूछो क्या हुआ, क्या हुआ, पूछियो अनायशा क्या हुआ, पूछो पूछो क्या हुआ। ये क्या चल रहा है मैडम? क्या चल रहा है? ये हनिक को मैं समझा रही हूँ कैसे करना है, फिर ये खुद से करेगा। किस बारे में समझा रही हूँ? मैथ। आपको आता है मैथ? आपको आता है? हनिक को पढ़ा देती हूँ। हाँ, ये वो वाली बात होगी जो मैं पिछले व्लॉग में कह रहा कि हाउसवाइफ को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, है कि नहीं? रोइए जोर से।
क्या हुआ क्या हुआ? चाचा रो रहा है, तो चुप कराओ, पूछो क्या हुआ क्या हुआ? हाय, हाँ, शूज ये बेड पे पहनता कोई? बेड पे पहनता कोई? नहीं पहनता ना। देख मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा सोना, हट हट हट, मेरा सोना। चलो इसमें सबसे जो सबसे ग्रेट, हाँ, चाचा कभी करी थी किसी? कह रही है कि आप मेरा करें ना, इनको मैं चाचा की करूंगी। मम्मा, मेरी मम्मा, आ जा रे विवेक, आ जा, आ गया, देख चाचा भी आ गया। मेरे बेटे, तू कह रही तू मच्छा, आ बेटा, आ जा, आ जा, आ जा, देख रुला मत भाई, आ जा, आ, मेरी मम्मा, मेरे चौन है, मेरी मम्मा है, मेरी नाइशा, कहाँ है मेरी नाइशा? जाओ बेटा दादी के पास, आ जा दादी के पास, जाओ, आ जा, मेरे बेटा, आ जा, आ जा, आ जा, मेरे बेटा, गुस्सा होगी तो गुस्सा होगी, गुस्सा होगी, आ बेटा, और मम्मी जी? बढ़िया बेटा, क्या कर रहे थे आज पूरे दिन आप? पूरा दिन घर की सफाई, काफी दिन हो गए थे घर की सफाई नहीं करी। मम्मी के बाइसेप्स मेरे से ज्यादा है, देखो। ओ भाई, ओ भाई, आज दबा दूं, मम्मी थक गई होगी आज सुबह से। अभी ना थकती, मैं अभी तो लग। पापा जी कहाँ हैं? पापा जी अपने ऑफिस में जा रहे हैं ड्यूटी पे। तो गाइस अभी फादर साहब ना ड्यूटी नहीं थी, अचानक फोन आ गया 3 बजे के आसपास संपर्क सभा के लिए। तो पुलिस वाले की जान हमेशा फंसी रहती है ड्यूटी में, कभी भी किसी भी समय बुला लिया जाता है। चलिए यार, चलो कुछ काम निपटा का, चलो चलो चलो, चलो। अभी पढ़ा दियो आज कि आर्यभट्ट भी फेल हो जाए। आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट एक मैथमेटिक्स जिसने मैथ को इन्वेंशन किया था। अरे वाह, आज आपके लिए पूरे 5 रुपए का सुपर डुपर इनाम। आपने आज वो बताया जो हमें जिंदगी भर नहीं पता चला था। तो आनिक आज मम्मा की, मम्मा को 5 रुपए की टॉफी। हाँ बेटा, शूज, टॉफी, लाइट वाले शूज। आनिक देखो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। ग्रेटर, हाँ, टेल मी, बोलिए बोलिए, अपनी बातों को रखिए। बातों को रखने की बात नहीं है, मतलब जो लोग ये बोलते हैं बच्चों को अगर एक दिन नहीं पढ़ाओगे तो क्या वो आईपीएस बन जाएंगे? मतलब ये तरीका कौन सा? अगर वो दिन वो जैसे बोलते हैं तो आईपीएस किस दिन बनेगा भाई? आज आप 5 रुपए एक्स्ट्रा, 5 रुपए एक और एक्स्ट्रा। अनिक 1 2 मम्मी क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। वाह क्या बात कही है आज, मैं भावुक हो चुका हूँ इस बात को सुन के। डैडी एक साल बाद मैं आईपीएस बन जाऊंगा। एक दिन नहीं पढ़ेगा तो क्या डीसीपी बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा? हाँ। So guys, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करना, लाइक करना। और ये मैंने नया हेडफोन परचेज किया है एगारो का, बहुत अच्छा म्यूजिक है इसका, आप भी ले सकते हैं। और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और देखते रहिए व्लॉग। अच्छे लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बहुत कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आज की वीडियो में भी कोशिश किया टाइमलेस बनाने का, ऐसे ही ट्रैवल वीडियोज लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।